राजश्री सोल से सारे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। अष्ट विनायकों में से सातवें विनायक ओझर में स्थित विघ्नेश्वर है। उनसे जुड़ा एक बहुत ही मधुर श्लोक है, आइए उसे सुनकर उसका अर्थ जानते हैं। भक्तानुग्रहे गजमुखो विघ्नेश्वरो ब्रह्मापम नान्यमूर्तिधरोऽपि नैज महिमा अखंड सदात्मा प्रभु स्वेच्छा विघ्नहर सदा सुखकर सिधा कल्लो स्वये पुं क्षेत्रे चोझर के नमोस्तु सततम् तमसे परब्रह्मणे। आइए इसका अर्थ जानते हैं। मेरा मन और चित सदा उन्हीं का नाम ले जो गजमुख है, दयालु है और सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं, जिन्होंने विघ्नासुर को पराजित किया था और जो स्वयं परब्रह्म है, जिनकी महिमा अनेक रूपों में भी अचल है, जो कला के स्वामी हैं और जो ओझर में रहकर अपने भक्तों को सुख और समृद्धि प्रदान कर रहे हैं। 18वीं सदी में पुर्तगाली सेना से वसई किला जीतने के बाद पेशवा बाजीराव के छोटे भाई चिमाजी अप्पा ने इस मंदिर पर सोने का कलश चढ़वाया था। ये मंदिर चारों ओर से एक पत्थर से बनी दीवार से घिरा है। उस दीवार के पास खड़े भक्तों को शिवनेरी किले का और लेण्याद्री के गिरिजात्मज मंदिर का दर्शन मिलता है। इस मंदिर से जुड़ी एक कथा है जो मुद्गल पुराण में लिखी गई है, आइए उसे सुनते हैं। भगवान इंद्र ने राजा अभिनंदन द्वारा आयोजित यज्ञ का नाश करने के लिए विघ्नासुर नामक एक राक्षस को उत्पन्न किया था, लेकिन यज्ञ का नाश करने के बाद वो राक्षस रुका ही नहीं, वो पृथ्वी पर होने वाले सारे यज्ञों का नाश करने लगा और प्राण हानि भी करने लगा। तब सब पीड़ित जनों ने और ऋषियों ने मिलकर भगवान श्री गणेश की प्रार्थना की और विघ्नासुर को रोकने की विनती की। तब श्री गणेश ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार की और विघ्नासुर से युद्ध करके उसे पराजित किया। पराजित असुर श्री गणेश के शरण में आया और उनसे मुक्त करने की याचना करने लगा। तब श्री गणेश ने उससे कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें जाने दूंगा कि तुम कभी भी उस जगह नहीं जाओगे जहां मेरी पूजा की जाती हो। विघ्नासुर ने श्री गणेश का कहना माना और उनसे एक विनती की कि मेरा नाम आपके नाम से पहले लिया जाए। भगवान श्री गणेश ने उसकी ये विनती स्वीकार की और इसीलिए श्री गणेश का नाम विघ्नेश्वर पड़ा। क्योंकि ये सब ओझर में हुआ, यहाँ पर विराजमान गणपति विघ्नेश्वर विनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। ओम विघ्नेश्वराय नमः। अष्टविनायकों में से सबसे आखिरी विनायक है श्री महागणपति, जो रांजणगांव में विराजमान है। आइए उनकी स्तुति पर एक श्लोक सुनते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। श्री शंभो वर प्रदे सुतपसनाम्ना सहस्र स्वकं दत्वा श्री विजय पदम शिवकर तस्मै प्रसन्न प्रभु तेन स्थापित एव सद्गुण वपु गणपतिं क्षेत्रे सदा तिष्ठति तं वंदे मणिपुर के गणपतिं देवं महंत मुद्रा। आइए इसका अर्थ जानते हैं। रांजणगांव में स्थित महागणपति को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने शिव शंकर को वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया था, जिनका होना अत्यंत सुखदाई है
और जो सद्गुणों से परिपूर्ण होते हुए उनकी महानता का साक्षात उदाहरण है। ऐसे महागणपति को मेरा शतशः प्रणाम। इसी महागणपति से जुड़ी एक कथा प्रसिद्ध है, आइए सुनते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव त्रिपुरासुर से घनघोर युद्ध कर रहे थे। अनेक वर्षों तक वो युद्ध चलता रहा, लेकिन उन्हें विजय प्राप्त नहीं हो रही थी। फिर उन्हें अचानक ज्ञात हुआ कि उन्होंने युद्ध से पहले श्री गणेश की पूजा नहीं की थी। इसीलिए उन्होंने श्री गणेश के षडाक्षर मंत्र का जाप करना शुरू किया। श्री गणेश ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें युद्ध जीतने का योग्य मार्गदर्शन किया, जिससे शिवजी ने त्रिपुरासुर को युद्ध में परास्त किया। युद्ध के बाद शिवजी ने जहां गणेश जी प्रकट हुए थे वहां एक मंदिर का निर्माण किया। ये वही मंदिर है जो आज रांजनगांव में श्री महागणपति के नाम से प्रसिद्ध है। ओम श्री महागणपतये नमः। अष्टविनायक की इस यात्रा में इस आठवें विनायक के दर्शन के पश्चात फिर से पहले गणपति यानी मोरगांव में मोरेश्वर के मंदिर जाकर दर्शन लेना होता है, तभी अष्टविनायक की यात्रा पूरी मानी जाती है। ये अष्टविनायक सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे। ओम गणपतये नमः। ओम अष्टविनायकाय नमः।